सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जेंट के। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से, और मॉर्निंग शो का एक और शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप इंतज़ार में होते हैं और इंतज़ार हमें भी होता है कि कब आपसे मुलाकात होने का मौका मिलेगा, और हम मरहून मिन्नत हैं इस प्लेटफॉर्म के, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे हम मुलाकात हो पाते हैं। और ये जो मोहब्बतों का सिलसिला है, परवरदिगार से हम हमेशा दुआ करते हैं कि ऐसे ही कायम दायम रहे। आज इतवार है, छुट्टी का दिन, अक्टूबर के महीने की आज 8 तारीख है, 1445 हिजरी के रबीउल अव्वल की आज 21 तारीख है, और मौसम में बतदरीज तब्दीली रोनुमा हो रही है, और मौसम खिजां की आमद आमद है। मौसम खिजां को अगरचे बड़ा गमगीन मौसम कहा जाता है, लेकिन कश्मीर के दिल फरेब नज़ारों में मौसम खिजां भी बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। मौसम खिजां में हम देखते हैं कि इस खिजां के मौसम में जो आने वाला है, पत्ते गिर जाते हैं पेड़ पौधों से, और पूरी ज़मीन पर एक जर्द चादर बिछ जाती है जो बहुत दिल फरेब नज़र आती है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ पर चनार के दरख्त ज़्यादा हो, वहाँ पर लोग खूब फोटोग्राफी करते हैं और उन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। और पिछले साल हमने देखा कि खिजां के मौसम में भी बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर की सैर के लिए आए। उम्मीद है अब की बार भी हमारी यही है कि अच्छी खासी तादाद में सयाह कश्मीर की सैर के लिए आएंगे इस मौसम में भी। आज के शुमारे में मेरे हमराह रहेंगी अरीबा अल्ताफ। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। खैरियत से जी। मौसमों में आपका पसंदीदा मौसम कौन सा है? मेरे विंटर्स तो मेरे बहुत फेवरेट है, लेकिन चूंकि आपने मौसम खिजा की बात की तो मेरा भी दिल थोड़ा उठ गया, क्योंकि ये हमारा फेवरेट है। जैसे आपने कहा कि जो पत्ते हैं बिछाए हुए होते जमीन पे, वो चादर फैली हुई होती है, और मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मैं नाज़रीन से ये बात शेयर करूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि पत्ते गिर जाते हैं, बहुत खूबसूरत सा मौसम है क्योंकि आपकी ग्राउंड इतनी ब्यूटीफुल लगती है। बट हमने कभी इस बात को रियलाइज किया भी होगा आप सबने कि जो ये पत्ते होते हैं, बेसिकली ये इनकी डेथ स्टेज होती है जब ये पेड़ से गिरते हैं, और कितने खूबसूरत लगते हैं हालांकि, लेकिन ये इनका एक एंड होता है। एट द सेम टाइम एक पेड़ की नई शुरुआत होती है। तो जो ही आपने मौसम खिजा की जो जिक्र किया, तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि ये पत्थर, ये धूप, ये कांटे, इनसे क्या डरना, मुश्किल अगर राहें हो जाए तो छोड़ी थोड़ी जाते हैं। ये एक ऐसा मौसम है जो एक मिसाल है कि एक नई शुरुआत करने के लिए किसी चीज का खत्म होना बहुत जरूरी, बहुत लाजमी है, और मौसमों के तगैयुर और तबदुल के साथ जुड़ा होता है इंसान का मिजाज भी और मूड भी। जी, आपने सही फरमाया कि कहीं ना कहीं इसमें एक राज पोशीदा है कि जब तक चीजों का खात्मा न हो तो दूसरी चीज़ों का आगाज या शुरुआत कैसे होगी। और ये देखिएगा लेकिन कि कुदरत का जो निज़ाम है, जब पत्ते गिरते हैं सूख कर, उसके बाद ये जो ये पेड़ हैं, इन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद होती है ऊपर वाले की ज़ात से कि दोबारा जो है मौसम में तब्दीली आएगी, हालात बदलेंगे और फिर से 400 बहार ही बहार हो। बिल्कुल, बेशक। और वही चीज हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करनी चाहिए कि कोई चीज को शुरू करने के लिए हमें किसी चीज से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। खैर, ये चीजें तो चलती रहेंगी। आई थिंक अब हम मौसम और ट्रैफिक के हवाले से बात करते हैं। नाजरीन, आज जो है मौसम बेहतर रहने वाला है, धूप बनी रहेगी, और जम्मू में भी आज धूप दिन में बनी रहेगी। दिन का ज्यादा से ज्यादा श्रीनगर में 29 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। वहीं जम्मू के हवाले से बात करें, दिन का ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो आज ये इतला मिली है, नेशनल हाईवे पे दोनों अतराफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। SSG रोड और मुगल रोड पे भी दोनों अतराफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। फिर भी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, जब भी आप सफर पे निकले एक बार जो है दिए गए नंबरात से राबता जरूर करें। जी, खैर, यमो इसकी अपडेट से मैं सहता मतवात नावान छे प्रोग्राम किस प्रथ कुनी शुमारस मज इमे गर्ज जे युजन तो इंतजार आसान छ जे युजान करी गिस तो एहतामत वातिन सुजान करी गिस इस वक्त पर हकिन तो एहतामत वात नवे तिकाज वारिया लट छे से पनन नाजीन से ती मुलाकात गसान छ पत छ वारिया चीज इस बोजान त इस हैरान ते गसान मगर खुशी ती छ गसान। एक दफा मैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफर कर रहा था तो अपने एक दोस्त के हमरा तो एक जगह रुकना पड़ा, कुछ पसियां वगैरह गिर आई थी, तो कुछ मेरे व्यूवर्स से मुलाकात हुई। तो एक व्यूवर ने कहा, बोला कि हम हमेशा अपने सफर की शुरुआत करते हैं उन अपडेट्स के बाद ही जो अपडेट्स आप हम तक पहुंचाते हैं, तो उसके बाद ही हम ये तय करते हैं कि वेदर वी शुड ट्रैवल और वी शुड नॉट ट्रैवल।
तो ये जो एतमाद है, ये भरोसा है, परवरदिगार करे ये ऐसे ही कायम दायम रहे। और यकीन माने हम बहुत कोशिश करते हैं, मॉर्निंग में हमें भी आधा एक घंटा लग जाता है अपडेट्स हासिल करने में, फिर हमें चाहे ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट श्रीनगर को फ़ोन करना पड़े या इसी तरह हमें जो महकमे मौसमियात से अपडेट्स हासिल होते हैं उसके लिए हम अच्छी खासी मेहनत करते हैं मॉर्निंग में, सिर्फ इस गर्ज से कि आप तक अपडेट्स जो हैं बिल्कुल लेटेस्ट हम पहुँचा पाए। आतवार तो आतवार सच वाबस्ता आसान सानी एक्सपेक्टेशंस हना मुख्तलिफ, घरन मज आसान आतवार दो इंतजाम हना मुख्तलिफ, ये बाकी दोन सुन बनान सुन आतवार दो बनान कें आतवार दो चूंकि गरिक सारी बस इकवटा आसान इसलिए आसान अस तैयारी तमी अनुमान करम जे अगर गरिक बस सारी इकवटा आसान तेल खेन चन तमी अंदाजुक आसुन, तो अगर मौसम ठीक आज प्लान करान जो गो पिकनिक गो एक्सकर्शन पनी फैमिली सत पेंडसन सतवार दो अस इंतखाब गेस्टन हंद हवाल हना मुख्तलिफ कोर्मुत, तिकाज यह पज पे सो गर आस वन फुर्सत गर आसान, तो फुर्सत गर यादगारी बनान खातर खूबसूरती खूबसूरत बनान खातर पूर गुड मॉर्निंग जे एंड के टीम आसान पूर हफ्तस यह तय करनस में मशगूल जि कम अनोख पे स्टूडियोस मज यम तुंद मन रंजन, तो अजुक इंतखाब तो सठ खूबसूरत हालांकि कह कल ब्रो गुड मॉर्निंग जे एंड के मज आम, मगर तुज डिमांड जनु बे इज आवाज तुम बड़ खुश कर्म, तो सैन अज मेहमान वादी हिंद मशहूर चवान साल गुलूकार मुदसर मकबूल, तुम सड़ा सड़ा इस्तकबाल मुदसर साहब बे एक लट सैनस नादस कन थान बाप, तो तुह सत रोजन आज मोहम्मद मकबूल साहब यम जन नुट वायन, तो मोहम्मद अब्बास साहब यम जन तुम्बख नर वायन, तुम सड़ा सड़ा इस्तकबाल यम ब्रोह जो तुह सत कथ हालांकि पतम प्रोग्राम मज ते गई तुह सत तुंद सफरस मुतल जान कथ यो जजिच महफिल मजलिस बाबरकत बनान बापत करो आगाज कुन रुत कलम सुन बाबरकत कलम सरवा बिस्मिल्लाह तेल बिल्कुल प्लीज गुनाहगारी अंदर छम रहमत साथ करीमा कर करीमी कर चुमुर्वत मेयुद पन्यो अथो मिस्मार कर हम लुकन थीत नहस कर हम मलामा सरफर अस करम कर या मुहम्मद सरफर अस करम कर या मुहम्मद हजर लद आस कर दर या मुहम्मद सरफर अस करम कर या मुहम्मद रुटुमदा मान चोनी ताजदारा रुटुमदा मान चोनी ताजदारा मुकुम जन्नत नफ्स जहनम या मुहम्मा मुठुम जन्नत नफ्स जहनम या मुहम्मा मुसरवर अस करम कर या मुहम्मा करुना सजदा संदर दस्तगीरी करुना सजदा संदर दस्तगीरी युना
बार करम अस या मोहम्मद युना बार करम अस या मोहम्मद हजर लत आस पर दर या मोहम्मद मुसरवर आस करम कर या मोहम्मद चबर सर ताज लवला कुलमाची चबर सर ताज लवला कुलमाची छो अत्मस रोहनी दवा या मुहम्मा छो अत्मस रोहनी दवा या मुहम्मा हजर लग आस पर दर या मोहम्मा तहे मिसी कीन प्यो मुत आयन तल तहे मिसी कीन क्यों मु पायन दल तो ही प्रत मुश्किल हल या मोहम्मा तो ही प्रत मुश्किल हल या मोहम्मा हजर लत आस पर दर या मोहम्मा या मोहम्मा सुभान अल्लाह इमन नादन तिमन फरियादन ऐसिन परवरदिगार सिंदिस तिंदिस टर्स सिंदिस दरबारस मज कबूलियत आमीन या रब्बल आलमीन बट रिस शुरुआत माशाल्लाह बढ़िया खूबसूरत आवाज बेसिकली गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम अख त्युथ प्लेटफॉर्म यम प्लेटफॉर्म के जरिए इस इंट्रोड्यूस करा वारिया आवाज मगर तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही कबूलियत ते तो मकबूलियत ते कुनी हदस तामत गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम किस पतिमस शुमारस में शमूलियत करने पत क्या बात होता है यूजन व्यूवर्सन हुंद या बोजन वाले हुंद फीडबैक उस सुख के किस्म फीडबैक उस ते क्या बोलो बोजन वाले तो सवारी अब बेटर फीडबैक क्या इसके यूजन बोजन वाले सारे कर अप्रिशिएट कर सारे भी सारे दो वारे बेटर हो बुस तुन तक शुक्र गुजार क्या मे मिलो दम लट तो मौका तुम बड़ मशहूर तुम तशरीफ हालांकि वन खान खुदन सीजन तुम आज तुम बावजूद आयो तुम तुम सठा सठा शुक्रिया मुदसर मकबूल सब यूजन यह फन फनस सबस्त सपदन कुछ इतफाक त गसान शौक आसान तुंदिस मामलस मा इतफाक कि तुम शौक जी कर एक्चुअली से जदी अजदी वरासत क्या बुढ़बब तम नाव रस्तुम शाह तुम वस हयात तो तिंदी देखर से पकान पे मे फादर तुम तीन वाबस्त गरस मज माहौल अमुक तो रूद सिलसिल स्ट्रगल करदरवाइज टेक्निकल चीज हेचान पे वाले निश या जिठन निश बिल्कुल तम निश ते हे तो पे मे तम उस्ताद तो फन खे सठा जरूरी जे इंसान गारि गुडनत वस्ताद वस्ताद सुन नाव हन बगैर मे बासा हेक शागिर्द इंसाफ करित पन्ने काम सहित पन्नस फन सहित के कुम इस तुहन वस्ताद एक्चुअली ये वारे काल ब्रो तकरीबन त्रे वरी चोर वरी ब्रो कत अस रबाबिस्ट ये जन सारी वनक जान मोहम्मद मकबूल शाह ये जन डोरी से रोजान तिंद जरिए गई मे गई मे तुम रहबरी
تمو تہ ہو واریہ کی یہ تمہ نش اس تمہ پتہ نیس بہ تمو کرشن جی لونگو جی اس نش میوزیشن بالکل تمہ نش نیس بہ تمو تت کر میں یہ واریہ کی حاصل تمہ پتہ پہ میں بی بیاک استاد ٹھانڈن روی بھان تمس ونان بالکل بالکل تمہ نش اچھا یہ چونکہ مرحل وار طریقس پہ یہ کام چلان ات من پریت اخ نو دو اخ نو چیلنج ہت بالکل گڈ اس پریزنٹر خاطر تم زن یت فن ست وابستہ آن یت ونان پرفارمنگ آرٹس بالکل اچھا پریت دو اخ نو امتحان نئی امتحان من سے گزرن پیوان اس لیے سٹھا ضروری انسان تھائے پنی پریکٹس جاری پن ریاض جاری سو ضرور کرنا مگر یہ ورنو اس چونکہ ونکس خاندر خاندر ہن سیزن تو تہذ آواز من کس بات زن خاص کر لک ڈیمانڈ کران یا سانہ بیے ماج بھائی ڈیمانڈ کران کن سات کن خاندرس من گونے آسان ایکچولی واریہ کی سانگز مطلب زن آز کل چلن گوڈ چھ سائر نیس فرمائش ایکچولی میں زو پنج تقریبا یوزن بوت ممکن اس نہ یا ساری کھو زیادہ ڈیمانڈ یوان سو کس بوت چھ مز ہستی زترا لن بوز نہ یوان بالکل سر بوز نہ کیش جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا کیا بات ہے واہ ہم خزا سے نباہ کر لیں گے تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا جانے اس دل کا حال کیا ہوگا جانے اس دل کا حال کیا ہوگا تیرا بات
का कियानी का बड़ा मकबूल नगमा जो बड़ा ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो यह गो वपर जबान हंद बात यह लुक पसंद कर यह गो ठीक मगर कशिर पोट तुत लुक पसंद आसन करा तो सोशल मीडिया पे आजकल वह ट्रेंडिंग बात कह बात तिहद मतलब समझ तरह कह मगर तुम तीह मकबूल गमित तिमन सासन मज लक्षन मज शेयर्स अखर सवाल पृछान मज मज तम जरूरत तरह दोस् सन मौसी शौक आत फन सन मुनसलिक सपदन तुम्हें मिले तहरीक अनु यह फन हेचुन पत यत फन सबस्त सपदन मज अत मज हा इंसान यह सोच या यह फैसल नित पे बाप जो रोजगार हे इम सलित बह पन गर मामला चल बिल्कुल सर वाल पे क्या कि हर कुन चीज मेहनत आसे मेहनत अल्लाह ताला तथा बिल्कुल सर क्या कि मे वो पन कत सर अमे बगर कड बिजनस शुक्र अल्लाह ताला कुन लाख लाख शुक्र सर बिल्कुल पा सवाल क्या बचपन पे इंसान कुन चीज आवुर रोजान या तमु शौक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उस्ताद कम मगर आदत चीज चीज़ शौक कुन ज्यादा गा त्युत कह सिंगर कह म्यूजिशन इन तुम ज्यादा बोलान तुम वन युत ग गवन या युत ग युान पर्फॉम कर आइडलाइज नफरस इंसान एक्चुअली बहुत पान बोजान ज्यादा तकरीबन जनशिर फोक सिंगर्स बड़ बड़ लिजेंड गुलजार गनाई साहब मंजूर शाह रशीद हाफिज मतलब महदीन शाह अब्दुल सलाम भट मतलब युद बूजित इंसान मतलब ये इन परफॉर्मेंस इंसान वुचान कि ना यमो इत पे कर्म कॉन्ग ग शौक उस बढ़ान ना यमो ये कर्मत हको ये कर ट्राई ट्राई कर तो चलता रहता तो बाकी उस भी ज्यादा बोजान वोजान वनकस तम बोजान अमे मजीद चुस बहुत ज्यादा बोजान गुलाम अली बड़ फनकार हालांकि ये तुम वो जिक्र कर सान लुक मौसी हंद कैन अजीम फनकार यह बड़ तारख माल अत कहें दोम राय मगर अज वाबस्त नौजवान कशिर पे गवान हालांकि तुम बड़े एप्रिशिएट कर तुम गो पजन तुम इनकेज करें तुम पे गवान मगर तुशा बसान इंसाफ हकान ग पज पे जन सी पीशिर लाई तमो बरकरार थम कमुत वेस्टर्न इन्फ्लुएंस या बॉलीवुड तूत इन्फ्लुएंस जन सी पीशिर लाई सू गई कतम मरत वनक अगर ये फन कत करो योतम अन तजर्ब वस ज्यादा कर लाइक वनकस वो ज्यादा वनक वेस्टर्न टाइप पसंद क्या कि वनकन बोजान आडियंस ये बोजान यमिक तक कम शौकिन क्या मतलब वन छकर रोफ गवान वनक पकान छकर रोफ छकर रोफ कम तम जन खास कर नौजवान तबक वनक सिंगर कम वाबस्त मगर प्रोफेशनली गवान शौक सान गवान मेहनत कर तमन लुक बोजान आदिल मंजूर यंग फोक सिंगर तमन फॉलोइंग लुक तमन बोजान या फॉर दैट मैटर अशफाक कावा तमन कशुर अंदाज गवन कशुर लाई गवन या तह सलूकार तह पे कोशिश बरकरार थी डिस्करेज कुन तय गुन कह सान मौसी सबस सशिर जबान सशिर आइडेंटिटी तो वनकन पैनल पे फरमाइश दपान चूंकि गुलाम अली साहबन जिक्र करो तो तुम तो पसंदीद रफ्ता रफ्ता अमी जिलन हेक बोजन एक्चुअली शायद मेहदी हसन साहबन गुंद मगर फरमाइश शायद अगर इमें जिलन हेकन बोज या अगर गुलाम अली साहबन बे तिज मशहूर गजल शार बोजन प्लीज अंदाज अपने
देखते हैं आईने में वो, और ये भी सोचते हैं कि कोई देखता न हो। ये दिल ये पागल दिल में भी गाया करें, बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज। बिल्कुल। अब मदर से साहब मैं पूछना चाहूंगी, अभी प्रेजेंटली जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, अगर हम अभी की बात करें, इवन जब आप काम पे भी जाते हैं, जैसे आपने बोला आज भी आप काम से ही आए, अभी की क्या चैलेंजेस है जो आप फेस कर रहे हैं? उन चैलेंजेस की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे नाजरीन एक वक्फे के लिए। और जाहिर सी बात है, एक ऐसा सवाल है जिस सवाल के जवाब में थोड़ा वक्त भी लग सकता है, लेकिन वक्त की बड़ी अहमियत है और वक्त के मामले में डिसिप्लिन रहना बड़ा जरूरी है। और हमारे सामने जो क्यू शीट है वहां से हमें इशारा मिल रहा है कि हमें रुकना होगा एक कमर्शियल के लिए। वक्त से लौट के आएंगे तो अखबार की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाएंगे। और मुदसर साहब की इंतहाई खूबसूरत आवाज में बहुत सारे नगमे और आपको सुनाएंगे, आपके इतवार को खास बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें गुड मॉर्निंग जैन के। मुल्क और मुल्क से बाहर बे औलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान आईवीएफ सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बे औलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनाकिद किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर 7814792726। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस वादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006-9499-46। वेलकम बैक नाजीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग जैन के। और अभी वक्त हो चला आप तक अखबार की सुर्खियां पहुंचाने का।
इसी अखबार है, इससे सुर्खी सुनिए। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह टू एड्रेस मेगा रैलीज इन J&K। इसी अखबार से एक और सुर्खी, जल शक्ति डिपार्टमेंट रेगुलराइजेस 396 इंजीनियर्स टू बूस्ट कैडर मैनेजमेंट एफर्ट्स इन J&K। उर्दू अखबार पहले सफे पर रकम तराज है, सुर्खी सुनिएगा। वॉकथॉन वॉक फॉर वाइल्ड लाइफ झंडी दिखाकर रवाना, हयातियाती तनु का तहफ्फुज सब पर लाजिम, मनोज सिन्हा, जंगलात को स्मगलरों और शिकारियों से बचाना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है, सुर्खी सुनिए। ट्राउट बींग स्पेशल वैरायटी ऑफ फिश एंड हाईली वैल्यूड बोथ फॉर इट्स इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड कमर्शियल वैल्यू, सो गवर्नमेंट मस्ट अडॉप्ट ऑल मेजर्स टू प्रोटेक्ट देम एट ऑल कॉस्ट इन कश्मीर। उर्दू अखबार की सुर्खी, नौजवान तरक्की के सफर में शिरकत दार बने, जम्मू कश्मीर समाजी व इकतसादी का बेमिसाल मुआजजा, यूटी में मुनाफा बख्श कारोबार और सरमायाकारी के लिए बेपनाह मौके, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और एक सुर्खी इस अखबार की, इसी तरह पसी के मुतसिल फ्लाई ओवर पर काम मुकम्मल, दो लेन वाली मारूक टनल पर ट्रैफिक छोड़ दिया गया, नितिन गडकरी। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है, नाजीन, सुर्खी सुनिए। कश्मीर इवनिंग इमरजेंसी वार्ड कियोस्क, सीनियर डॉक्टर गोज मिसिंग, पेशेंट सफर। उर्दू अखबार के पहले सफे की चंद अहम खबरें जिनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। सैफरानजारों को रिहायशी कॉलोनियों में तब्दील करने का इंकशाफ, पांपोर में गैरकानूनी सड़क की तामीर पर रोक, मुलवसीन के खिलाफ कार्रवाई। 9 और 10 अक्टूबर को बालाई व मैदानी इलाकों में बर्फबारा मुतवक्को, मगरबी हवाओं की वजह से मुख्तसर मुद्दती मौसमियाती खलल, 14 से 20 अक्टूबर तक बुनियादी तौर पर खुश्क मौसम का इम्कान, महकमे मौसमियात। जी नाजीन, मेरे पास एक आखिरी अंग्रेजी अखबार है, इससे सुर्खी सुनिए। एशियन गेम्स, इंडिया फिनिश विद हिस्टोरिक 107 मेडल्स। जी, और मेरे पास उर्दू अखबार है, इस अखबार की दो सुर्खियां। मरकजी वजीर हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज ने जिला पुलवामा का दौरा किया, जम्मू कश्मीर यूटी के लिए मरकज के विजन को पूरा किया जा रहा है, डॉक्टर महिंदर। सकाफत और जियाफत कार्निवाल 9 अक्टूबर से शुरू होगा, 17 रियासतों के हुनरमंद अपनी दस्तकारी का मुजाहरा करेंगे। ये थी अखबारात की सुर्खियां, हमारे पास हैं आपके चहेते गुलुखार मुदस्सर मकबूल और सवाल अपनी जगह महफूज जो पूछा था अरीबा ने, आपने सवाल क्या पूछा था अरीबा? जी जी, अभी के क्या चैलेंजेस है जो आप जैसे सिंगर्स म्यूजिशियंस फेस कर रहे हैं आपके मुताबिक? इसमें बहुत सारे चैलेंज है आज के दौर में, अगर देखा जाए तो आजकल कंपटीशन का दौर है। सही बात है, आजकल जो भी मतलब कोई भी एक्टिविटी सामने आती है, चाहे कोई भी कंपोजिशन हो आजकल के ज़माने में जी, तो इसमें इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि आजकल का जो दौर है मतलब कंपटीशन का है। आज अगर कोई गाना कोई गाता है तो कल कोई यही गाना Exactly. ज्यादा बेहतर अंदाज से, ज्यादा बेहतर तरीके से गाता है, क्योंकि आजकल इसके साथ भी अब बड़ी वजह ये है, और एक बड़ी वजह ये भी है कि अब प्लेटफॉर्म्स की भरमार है। पहले आप डिपेंडेंट थे एक दो प्लेटफॉर्म्स पर ही, लेकिन अब आपके पास मोबाइल फोन है, आप जिस प्लेटफॉर्म पर चाहें अपना गाना ले जा सकते हैं। अगर आपकी आवाज में दम है और आपकी आवाज में असर है तो आपको हिट होने से, मकबूल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा आत्मा, मगर सठा जरूरी चीज, सठा जरूरी एलिमेंट सुगा یوزن اس گیو کلام گیو شاعری گیو سو دس میری اس اس مس چیز پوچھا کن سات چھ سین نوجوان بڑ کمپرومائز کران تم چن یہ وچھان کہ زی کلام کیم سوچ اچھا واگر کلام کس بڈس لیکھک سون کلام کار سون شاعری سون تولند مگر تات چھ پتہ نہ ونا کشر پٹ درت ناٹکار اچھا پتی کر تم چن پس صحیح تم الفاظ ہکا بیان کر دی پرونسیشن نو خیال تھا بالکل تم سے تم سے پس سن من بزرگ روحن واتا بڑ تک بالکل امچ کسا چھ ضروری زی یل اس کلام پر حالانکہ اتم چن ہتک تک ہن اگر تو کس بڑ شاعر سن کلام کس سوپی شاعر سن کلام پرن چھ کس زان ولس نج گئی کس شاعر سن گئی کلام کار سن گئی تمچ ک درست تو کیا چھ حوالہ ونا یہ بیٹر کوشچن کرو تھی کیاز کہ آج کل وچن چھ کی گیون ول مطلب یم زن چھپتی کی کلام تم پن تت یا مطلب پتم دو ورے پہ آو وچنی زیادہ پہ شمعی صبح کلام یا سشکال صبح کلام نام صبح اتو اڑو پن اوڑ ترمت مزے زیادہ خر اس پتہ وچن ول بڑ ناراض گا دا تھی کت زیادہ کران ات وار تھی کت کم کران بات زیادہ بوزن گونا تم تھی سن تو ونکس ترو تہ پہ معاملہ سلیکشن تہذ پسند تہذ چوائس تہذ کیا بوزن چلو سر بوزن پلیز
चैन पर तल राव मेरा आवाज वाचिनो चैन पर तल राव मेरा आवाज वाचिनो चैन पर तल राव मेरा साहिबो लगे चान पदराजी बित विचीघा नूरान चोर साहिबो लगे चान पदराजी बित विचीघा नूरान चोर चान नूर छमतल बियाची आवाज बची हो चान नूरिच छमतल बियाची आवाज बची हो चान पर तल राग मेराची यार कर तस आरे कुची हार थो थम गुलाबो यार कर तस आरे कुची हार थो थम गुलाबो मसबल चस निंदिरे हाची आवाज बचिनो बस बलचस निदिरे हाची आवाज बचिनो चान पर तल राग मेराची लल क्रीच पे वारो बाची लल निलवट सुलेन सा अदना प्योस लले माची आवाज बची नो आवाज کشن ہندس یاد وترس من بہت غلام حسن صوب صاحب پردگار کریں تم گری کر احمد تو سان بڑی بزرگن آن پن بچپن چی جوانی ہن تم ساری یاد تازہ گمت یل تو یہ بات اسو بوزان ریڈیوس پہ تو پریت کن بات ستھ ایسوسیٹڈ کی یاد پہ تم سارے یاد گسان تازہ انسانس زی یاد دورس مز بھی بات اسس بوزان تا دورس مز کیا کیا اس میں سپدان کم کم چیز کر مے زندگی مز
خیر خاندر خندر ہن سیزن چھ آز چھ آتھوار آز بنن خبر کتیا سین دوس مہراز سین بین وری بنن آز ماہرین پروردگار بنائن تہنز ازدواجی زندگی خوبصورت خوشحال اس ہیکو تو ڈالرنگ یہ عطا کرت یہ پیش کر زی اس کرو گزارش پنس دوستس پنس بھائیس مدثر مقبول صاحبس زی کہاں بتھا کرن تہند باپت پیش اگر تھی سانن تمن مہارازن ماہرین آز ڈیڈیکیٹ کہاں بت کرن یمن آز خاندر چھ کس آئے سہ بت اخ زلن مقصد ڈل تم سان دوستن ہند خطر یمن آز خاندر تو یہ رچ گر آسان تو ام سات دعا منگنے تک اجابت سپدان تو اس کرو تو یہ گزارش سانہ پور ٹیم باپت منگزو دعا کشیر ہند باپت منگزو دعا زیر من روزن خوشحال ماحول پریتھ کھان روزن ٹھیک آسان تو گندان ناظرین تھی زانان پروگرامس من وقتاً فوقتاً تہ تام کی اہم زانکاری تہ واتن تھی زانان روزگار کے حوالے سن دوست فکر مند تسان زت کرو اپلائی کت ڈپارٹمنٹس من کرو اپلائی چھا کن جائے کم ویکنسی تو یہ زانکاری تہ تام واتن پروگرامس مز مز تو آز تمک انتخاب امک اہتمام سلیم اعجاز کپرا صاحب تیار یہ واتن ازیو گڈ مارننگ روزگار اس سارے تام ناظرین محترم صبح خیر روزگار کے متلاشی افراد کے لیے روزگار سے متعلق چند اطلاعات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا آئیے آج کے شمارے کا آغاز کرتے ہیں اس نوٹیفیکیشن سے ناظرین جے اینڈ کے ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن صنعت گھر بیمنا سری نگر کو کانٹریکچوئل بنیادوں پر مختلف اسامیاں پور کرنی مطلوب ہیں اسامی کی کل تعداد چار اسامی کی تفصیل یوں ہے مینجمنٹ ایگزیکٹو ایک اسامی ایگزیکٹو اسسٹنٹ ایک اسامی فرنٹ آفس اسسٹنٹ ایک اسامی اور آفس اٹینڈنٹ ایک اسامی امیدواروں کی بالائی عمر کی حد 37 سال مقرر ہے
इस जमीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 3 नवंबर 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkdfc.org। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक नोटिफिकेशन के मुताबिक इंस्टीट्यूट को जम्मू, श्रीनगर और दिल्ली के दफातर में मुख्तलिफ असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 8। असामी की तफसील यूं है: चीफ रिसोर्स पर्सन टेक्निकल कम मैनेजमेंट 1 असामी, रिसोर्स पर्सन टेक्निकल कम मैनेजमेंट 3 असामियां, रिसोर्स पर्सन एडमिन एंड फाइनेंस 1 असामी और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 3 असामियां। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 35 से 45 साल मुकर्रर है। इस जमीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.nielit.gov.in। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ककरियाल कटरा जम्मू अहल और तजुर्बा याफ्ता उम्मीदवारों से यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात में प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां पूर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 79। जिन शोबों में ये असामियां पूर की जा रही हैं वो हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिजाइन, एनर्जी मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और फिलॉसफी एंड कल्चर। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.smvdu.ac.in। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन मुंबई को असिस्टेंट डायरेक्टर्स की असामियां पूर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 12। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 35 साल मुकर्रर है। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.kvic.gov.in। जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ डिसिप्लिन में कोचेस और इंस्ट्रक्टर्स की असामियां पूर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 45। इनमें कोचेस की 14 असामियां और इंस्ट्रक्टर्स की 31 असामियां शामिल हैं। उम्मीदवारों की उम्र 18 और 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत कोच असामी के लिए उम्मीदवार ने ग्रेजुएशन के अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डिप्लोमा किया हो। अलबत्ता ऐसे खिलाड़ियों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने कौमी या बैनल अक्वामी खेलों में तमगा हासिल किया हो। इंस्ट्रक्टर असामी के लिए उम्मीदवार 10+2 के अलावा NIS या SAI से सर्टिफिकेट याफ्ता हो। अलबत्ता ऐसे खिलाड़ियों को तरजीह दी जाएगी जो डिप्लोमा याफ्ता हो या जिन्होंने खेलों में कौमी नुमाइंदगी की हैसियत में शिरकत की हो। इस जमीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर 2023 है। दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर कश्मीर, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल, बख्शी स्टेडियम, श्रीनगर, या डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर जम्मू, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल, न्यू इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, MA स्टेडियम, जम्मू। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.jksportscouncil.in। नाज़रीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग J&K और आप जानते हैं आज हमारे साथ जो मेहमान आपके फेवरेट हमारे फेवरेट सिंगर जिनका नाम है मुदस्सिर मकबूल साहब और उनके साथ उनके दो साथी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है मोहम्मद मकबूल शाह साहब और मोहम्मद अब्बास भट्ट साहब। मुदस्सिर साहब से इससे पहले, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे नाज़रीन को भी इश्तियाक होगा कि कब आप कुछ और उनके सामने पेश करें, लेकिन मैं पहले कुछ जानना चाहूँगी क्योंकि जब हम सब काम पे निकलते हैं हम सब के साथ ऐसा होता है कि जिंदगी में कोई एक मोमेंट जो है बहुत खास होता है जो यादगार रहता है। आपके काम के दौरान कोई ऐसी कोई परफॉर्मेंस जो यादगार है, कुछ उस कहानी उस परफॉर्मेंस के साथ, ऐसा कुछ?
اکھ پرفارمنس چھِ اَسہِ کٔرمٕژ جوٗرِنٛگ سکوٗل لایف ڈِسٹِرٛک کُلگامٕے. تَمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ نیُمُت بوٚڑ واریاہ نام, واریاہ بوٚڑ انعام چھِ اَسہِ تَمہِ دۄہ نیُمُت, کیٛازِکہِ سُہ اوس گۄڈنٮ۪تھ اَسہِ سانٮ۪ن یِم اَسہِ ٹیٖچَر ٲسۍ تِہٕنٛز مہربٲنی. تَتھ منٛز اوس ٹیٖچَر اَکھ اَسہِ فاروق احمد شاہ, یِمو زَن اٮ۪کچُؤلی مےٚ سکوٗل منٛز واریاہ زیادٕ سَپوٹ کوٚر یَتھ سۭتۍ کَرنہٕ خٲطرٕ. بِلکُل, سُہ چھُ اَسہِ نِمُت تَمہِ دۄہ نِیَر اٮ۪باوُٹ 1.5 لَچھ زِندگی منٛز گۄڈنِچ لَٹہِ. بِلکُل, فٔسٹ پُزِشَن یہِ أسۍ تَمہِ ساتہٕ, سۄ ٲس تِہٕنٛز مہربٲنی, کیٛازِکہِ تِمو ووٚن اَسہِ تُہۍ کٔرِو یَتھ سۭتۍ. پَتہٕ اوس سُہ اوس اٮ۪کچُؤلی کَمپِٹِشَن اَکھ, سُہ کوٚر اَسہِ یادگار. ییٚلہِ سکوٗل ڈیزنٕے دوران اِنسانَس کیٖژاہ بٔڑ اٮ۪نکَریجمٮ۪نٛٹ اٮ۪پرِسیشَن مِلہِ, سٕزٕے کَتھاہ چھِ, پَتہٕ پَکہِ سُہ اِنسان تَتھ فیٖلڈَس منٛز واریاہ برونٛہہ. تہٕ اَسہِ نِش چھِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ مِنَٹ تہٕ سٲنۍ وٕچھَن وٲلۍ آسَن یی سونٛچان زِ یِم بوزناونا اَسہِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ کِنہٕ نہ. بِلکُل بوزناوو, أسۍ کَرو نہٕ تۄہہِ ہرگِز تہِ ناراض, تِکیٛازِ تُہۍ چھُو سٲنۍ سٮ۪ٹھاہ محترم تہٕ سٮ۪ٹھاہ ٹٲٹھۍ. وۄنۍ ترٛاوو أسۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ چویِس, سِلٮ۪کشَن آسہِ تُہٕنٛز. چلو سَر, ٹھیٖک چھُ. ارپن یہِ بٲتھ اعجاز راز صٲبن چھُ یہِ گیومُت, پریم ناتھ شاد صٲبُن کلام, سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت کلام, اتھ منٛز چھِ تِم سٲری جذبات بیان آمٕتۍ کرنہٕ. بِلکُل. تہٕ اسہِ ؤنِو یہِ زِ زندگی ہِنٛدِس یتھ مقامس پٮ۪ٹھ چھُ تُہۍ پتھ کُن نظر ترٛاوان, تۄہہِ دوٚپوٕ تُہۍ چھُو واریاہس حدس تانۍ اطمینان چھُو تۄہہِ پننہِ جایہِ, تہٕ یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ دولت. یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز کیاہ تھاوو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ وۄمید, کٲشِر موسیقی ہِنٛدِ حوالہٕ, کٲشِر زبان رٔژھراونہٕ کہِ حوالہٕ, تہٕ کٲشِر موسیقی پھانٛپھلاونہٕ کہِ حوالہٕ؟ یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز سَر پَزِ اِنشاء اللہ محنت کَرٕنۍ, کیٛازِکہِ گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَسہِ کٲشُر, یُس اَسہِ پَنُن فوک چھُ, یہِ چھِ اَسہِ پَنٕنۍ میٖراث, یہِ پَزِ اَسہِ زِنٛدٕ تھاوُن سَر. اَسہِ پَزِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ
अहमियत आए दिन सर। सही बिल्कुल सठे अहम कत सठे अहम पैगाम सान नौजवान फनकार गुलकाल हंद बाप नेरान नेरान कह तुत बात यम बात सत पूर आतवार सन यादगारी त बन तो बे पूर दोह बाप सोन मूड अख सेट ग शुक्रिया सठा शुक्रिया तुंद मुदसर मकबूल साहब तो तुंद दुश्मनी साथियों हूं मोहम्मद मकबूल साहब तो मोहम्मद अब्बास साहब सन आतवार सठा खूबसूरत बनाने बापत कशीर दूर यम सन दोस अज प्रोग्राम वुछान आसन तिमन आस पूरा एहसास गुमुत जन तिम पशीर मजे पनिस ड्राइंग रूमस मज यम खूबसूरत बात बोजान तुंद बेक लिट सठा सठा शुक्रिया। नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जेंट के प्रोग्राम के शुमारे में। हमारे साथ जरूर बताइएगा हमें कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। ddkshrinagar@gmail.com ये रहे दो ईमेल पता जिन पर आप ईमेल भेज के हमें मुतल्ला कर सकते हैं, अपनी आरा से हमें जरूर नवाजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम, मुझे और अरीबा को दे इजाजत। हैव अ ग्रेट डे हैड, अल्लाह हाफिज़। नासिर।